डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम आईएस बीएचयू। बच्चों, आज हमें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि जैव प्रक्रम क्या है और क्यों पढ़ना जरूरी है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, तो अगर हम जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम को अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे तो जैव और प्लस क्या आएगा, प्रक्रम आएगा। जैव प्रक्रम या लाइव प्रोसेस मतलब कि सजीव लाइफ को बनाने के लिए, सजीव रहने के लिए जो प्रक्रिया सजीव के अंदर चलती है उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्योंकि अगर जैव प्रक्रम या जो प्रोसेस होता है अंदर बॉडी में अगर वो नहीं चलती है तो क्या हो जाता है कि जो सजीव है वो निर्जीव बन जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि सजीव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनको सजीव बनाए रखती हैं। तो अगर हम बात करें तो जैव प्रक्रम आपको समझ में आ गया। अगर ये हमें बोलना हो कि जैव प्रक्रम क्या है तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जैव प्रक्रम वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रम है, वो प्रोसेस है जो शरीर के अंदर, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चलती है, जो उसको सजीव बनाती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो जब हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ हम हमारे अंदर प्रोसेस होता रहता है, उस प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसके ऊर्जा पड़ती है, आवश्यकता की उसकी जरूरत पड़ती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, कहाँ से हम उसको प्राप्त करते हैं और किस तरीके से हमारी बॉडी उसको उससे प्राप्त करती है ऊर्जा को। तो हम अगर बात करें जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रिया हैं, जो प्रोसेस हैं जो आते हैं जीव को या किसी भी सजीव को क्या करने के लिए, सजीव बनाने के लिए, तो जैसे हम पहला बात करते हैं क्या, न्यूट्रिशन या पोषण। न्यूट्रिशन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सजीव जो होते हैं उनका जो मूल इकाई है कोशिका, जिसको हम बोलते हैं, वो उसको उस मतलब कि वो है चीज़, और उसको प्रॉपर क्या होता है, मरम्मत करने के लिए भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलेगा, मरम्मत वो नहीं करेगा, ऊतक मरम्मत नहीं कर पाएगा, तो धीरे 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 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, और डेड हो जाएंगी तो शरीर भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मतलब जो सजीव है वो बन जाएगा निर्जीव। तो डाइजेशन, तो मतलब कि न्यूट्रिशन, पोषण जरूरी है, पोषण क्या है, जरूरी है। पोषण नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, जीव जीवन खतरे में हो जाएगा। अब पोषण जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कहाँ से मिलता है हमें, तो हमें मिलता है फूड या भोजन से। कहाँ से मिलता है, भोजन से। हम भोजन से क्या करते हैं, पोषण को करते हैं। तो होता क्या है कि भोजन से अगर हम बात करें तो ये टूटता है थोड़े थोड़े भागों में, छोटे छोटे भागों में टूटते, तो इससे क्या होता है, इस तोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन से क्या होता है कि फूड ब्रेक होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना होता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। और इससे ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो मतलब जैव प्रक्रम में पहला जो प्रोसेस हमको समझ में आया या पढ़ना है जिसके बारे में, वो है पोषण, ठीक है, पोषण हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, श्वसन, श्वसन जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ लेते हैं ऊर्जा के लिए, क्यों खा रहे हैं उसको, फूड वगैरह क्यों ले रहे हैं, ऊर्जा के लिए, ऊर्जा क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कोई ना कुछ काम करते रहते हैं तो काम करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि ऊर्जा कैसे मिलेगी हमें, तो हमें पता चला कि फूड से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, अच्छा वो भी ठीक है, भोजन हमने ले लिया, लेकिन लेने से क्या होगा, वहाँ से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती नहीं है, तो उसको पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि पहला जो प्रोसेस है वो है पोषण या डाइजेशन का, उसके बाद उससे हमें क्या कहता है, न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोसेस है, ब्रेकडाउन है, जो फूड को तोड़ने का जो प्रक्रिया है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन हमें लेना पड़ेगा। तो वो हो गया श्वसन, क्या हो गया, श्वसन। और जब उसको हम श्वसन उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हम यहाँ सिर से लेकर पाँव तक छोटे छोटे बहुत सारी कोशिकाओं, मिलियन ऑफ कोशिकाओं से मिलकर बने, हर एक कोशिका को अपनी मरम्मत करने की आवश्यकता है, ठीक है, अब उनको ऊर्जा चाहिए। अब सवाल है कि डाइजेशन तो पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, लेकिन हमारे पास उस हर कोशिका में किस तरीके से ऊर्जा पहुँचेगी, किस तरीके से उनका ऊर्जा पहुँचना चाहिए या पहुँचती है, तो उसके लिए क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन,
एक हमारे पास का संचरण सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। उसके थ्रू क्या होता है कि जो ऊर्जाएं होती हैं धीरे वो हर कोशिकाओं तक, हर छोटे छोटे भाग हमारे जितने भी कोशिकाएं वहां तक पहुंचती हैं। तो मतलब कि श्वसन के बाद खाना लिया, उसको तोड़ा, तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, श्वसन मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो श्वसन करना पड़ेगा। और उससे हमें क्या, उससे बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ऑक्सीजन यहाँ यूज़ करते हो तो उधर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ गए बात। उसके बाद हमें हर कोशिकाओं को धीरे धीरे हर कोशिका के पास पहुँचाना पड़ेगा। बोलो, हर कोशिका तक हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा पहुँचाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि कैसे पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। तो उसके लिए हमारे लिए क्या है, परिसंचरण तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो फूड के थ्रू ऊर्जा मिलती है वो उसके थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है और हर कोशिका तक जाकर वो पहुँचती है। समझ गए। इसको बोलते हैं तीसरा कौन सा आएगा, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या इसे बोलते हैं सर्कुलेशन। लेकिन एक चीज और भी है, जब चीज हम खाते हैं, जो फूड खा रहे हैं, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ निकलेगा, कुछ ऐसा चीज अनयूज्ड चीजें निकले, उसको बाहर भी निकालना होगा। समझ गए, उसको बाहर निकालना होगा। तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन, ये उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन हो गया। तो कहने का मतलब कि पोषण, श्वसन, परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीशन, ये सब ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर ये शरीर में ना चले तो जो सजीव निर्जीव बन जाएगा। और इन्हीं जो ये प्रक्रिया हो रही है, इन्हीं प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। जीव के, सजीव के अंदर चलने वाले उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को जो उसको जीवित रखते हैं, उसको जीवित बनाने में मदद करते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, जैव प्रक्रम। समझ गए। वो क्या क्या चीज़ है, पोषण, श्वसन, परिसंचरण तंत्र और एक्सक्रीशन। कुछ खाते हैं, कैसे हमें 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 बनाने मतलब हमें ऊर्जा चाहिए, हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, उस ऊर्जा को मिलेगा कहाँ से, फूड से मिलेगा। फूड टूटेगा तो हर कोशिका तक पहुँचाना होगा, तो उसको पहुँचाने के लिए परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, जो फूड टूटा है उसमें ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो हमारे लिए अनयूज्ड है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी प्रोसेस सही से नहीं चला या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या हो जाएगा कि तब क्या हो जाएगा कि जो जीवन है वो खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर यह समझना होगा इस चैप्टर में कि क्या क्या प्रोसेस हैं, जो आपको समझ आ गया वो कैसे होते हैं, उसके उनको करना कराने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से अंग हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या उसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था क्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनको हम मेंटेन रखें ताकि सुचारू रूप से चले और हम सजीव बने रहें। तो अब आगे हम क्या करते हैं, एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे। समझ गए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम, तो क्या बात समझ में आई जैव प्रक्रम आपको, जैव प्रक्रम क्या समझ में आया आपको? तो जैव प्रक्रम ये है कि उस जो शरीर के अंदर चलने वाले जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, जो क्रिया है, जो पूरा का पूरा जो सजीव को क्या बनाता है, सजीव बनाए रखता है या मेंटेन करता है उसको सजीव रहने में, उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो जैसा कि मैं आपको बताया, जैव प्रक्रम कौन कौन से, जैव प्रक्रम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कई सारे रिएक्शंस होंगी, वो रिएक्शंस या वो प्रक्रिया क्या क्या है, जिससे पोषण, श्वसन, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन। क्यों? क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। बोलो, अब जैसे क्या हुआ कि हम अभी खा लेते हैं, खाने के बाद क्या होता है कि कुछ ना कुछ करें या ना करें, जैसे आम भाषा में जैसे अगर आप जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हम क्या लोग बोल देते हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भूख तो लगती है, इसका मतलब हमने खाया तो ऊर्जा गया कहाँ, ठीक है। तो उसके बावजूद हर कोशिका में श्वसन होता रहता है, श्वसन होता रहता है। और एक और जो रिएक्शन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं मेटाबोलिज्म, उपापचयी अभिक्रिया। तो ये हमेशा शरीर में क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है, और चाहे आप कोई काम करें या ना करें, या सो रहे हैं या बैठे हैं, तब भी आपको ऊर्जा हमेशा चाहिए, ठीक है। तो श्वसन इसलिए क्या होता है, पोषण जरूरी है। अब सवाल है कि हमारे पास अगर हम सजीव की बात करें तो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है।
प्लांट से एनिमल है और सजीव बनते हैं सेल से। तो जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक सिंगल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एकल कोशिका सजीव बोलते हैं जिसको। और उसके अलावा बात करें, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो एक सिंगल सेल है और जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, क्या उनके अंदर भी प्रक्रिया होती है? तो बिल्कुल होती है, लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होती है। जिस तरीके से हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो पर्टिकुलर एक एक काम करते हैं, समझ रहे हैं? जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो क्या करता है, ब्लड प्योरीफायर होता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। किडनी है जैसे क्या करता है, यूरिया को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालने का काम करता है, ब्लड को छानता है, समझ रहे हैं? और अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे शरीर में क्या हो सकते, ब्लड फैल सके। क्यों जरूरी है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ब्लड ही एक माध्यम है, एक चीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, जो क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन है, जो एनर्जी है, उनको हर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य ब्लड को दिया गया। तो ब्लड तो स्वयं तो जाएगा नहीं, उसके लिए उसको पंप करने वाली एक मशीन तो चाहिए। तो वो हार्ट क्या करता है, कंटिन्यू पंप करता रहता है। तो क्या जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जो एकल कोशिका वाले जीव, क्या उनके अंदर इस तरीके के ऑर्गन्स हैं? तो क्योंकि ऑर्गन्स की बात अगर हम करें तो ऑर्गन्स से बनने से पहले क्या होता है, कुछ उतक या उतक तंत्र होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम मिलके किससे बनता है, सेल से। बहुत सारे सेल्स क्या मिलते हैं, बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, उतक बनाती है। कई सारे उतक मिलकर उतक तंत्र बनाते हैं, कई सारे उतक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एकल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अंदर इस तरीके का कोई ऑर्गन पाया ही नहीं जाएगा। ऑर्गन कब बनेगा, ऑर्गन बनने के लिए तो पहले उतक बनना जरूरी है ना, उतक तो बना ही नहीं तो किस तरीके से ऑर्गन हो जाएगा। तो सवाल है कि फिर वो जीवित क्यों रहते हैं या किस तरीके से रहते हैं? तो उनके पास भी ये सारी प्रक्रिया चलती हैं लेकिन ये है कि इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। उनको बेल्ट ऑर्गन नहीं है, प्रॉपर सिस्टम उनके पास नहीं है जिस तरीके से हमारे अंदर है, समझ रहे हैं? तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एकल कोशिका के बारे में हमें नहीं समझना है, उनके जैव प्रक्रम को नहीं समझना है, सिर्फ हमें किसके बारे में समझना है, प्लांट्स मतलब पौधों और जीवों के बारे में, कि किस तरीके से दोनों के अंदर ये सारे प्रक्रिया जैव प्रक्रम क्या क्या होते हैं और कैसे वो चला पाते हैं अपने आप को। तो हम अगर एक बात करें, जैसे पोषण की बात अगर हम करें, तो पोषण में अगर हम दो चीज़ें आती हैं, जैसा कि अगर हमारे पास, जैसे हमने बताया कि पौधे होंगे और एक साइड सजीव में, तो यही दो चीज़ें आएंगी, ठीक है, एक तरफ प्लांट्स होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे, एनिमल्स, ठीक है। तो एक एक करके चीज़ें समझेंगे। तो पोषण की अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या होता है कि पोषण किस तरीके से भोजन लेते हैं या क्या बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि भोजन ये खुद बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक। पोषण दो तरीके का होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरो मतलब क्या होता है, परपोषी, एक स्वपोषी, समझ रहे हैं? तो जो स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करते हैं, जो अपने आप खाना बना लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और जो क्या होते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं फॉर फूड या न्यूट्रिशन, उनको बोलते हैं क्या, परपोषी या हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो न्यूट्रिशन दो तरीके का हुआ, समझ में आ रही बात, किस तरीके से स्वपोषी और परपोषी, आगे बात समझ में। और पोषण को करने जाने के लिए क्या होता है कि जैसे अगर हम स्वपोषी की हम बात करें, तो स्वपोषी में चीज़ें क्या होती हैं कि लाइट की उपस्थिति, स्पेशल लाइट की उपस्थिति में प्लांट के पास कुछ इस तरीके का स्पेशल फीचर होता है जिसके मदद से वो अपने आप स्वयं खाना बना लेता है और एनिमल्स नहीं बना पाते। तो इस चैप्टर में ये भी समझने वाले हैं कि ये स्वपोषी क्यों हुआ, इसके पास क्या क्वालिटी है, क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्वपोषी बन सका और ये परपोषी रह गया, समझ गए? तो ये भी हम चीज़ पढ़ने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्वपोषण या किस तरीके से स्वपोषण करता है सन की उपस्थिति में। और अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहते हैं फॉर फूड, तो फूड लेते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते हैं। तो हमारे अगर हम बात करें एनिमल के अगर केस में बात करें, तो ओरल कैविटी माउथ से लेकर एनस तक ओपनिंग तक पूरा का पूरा एक ट्रैक है। उस ट्रैक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और फूड वहाँ से चलकर धीरे 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 तो ब्रेकडाउन होता रहता है, आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं, समझ रहे हैं? तो ये वो बात हुई कि जो चीज़ें रेगुलरली क्या होती हैं, बनी रहती हैं, ठीक है।
तो अब हम आगे अगर हम बात करें तो ये सोपोषी हो गया और ये परपोषी हो गया, सजीव है। तो इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से ये अपने अपना भोजन बना पाते हैं और किस तरीके से ये इनसे भोजन लेते हैं, यही हम पोषण में देखने वाले हैं। और आगे बात करें, जब भोजन ले लेते हैं तो भोजन के बाद कुछ ऐसे मल या कुछ इस तरीके से अनयूज्ड प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको क्या करना, मतलब कि जो फूड होता है, फूड की अगर बात करें तो उन फूड जो है आया शरीर में, हम लिए शरीर में, तो लेकिन उससे डायरेक्ट हमें ऊर्जा नहीं मिल जाती, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। दांतों के थ्रू तोड़ेंगे उसको, समझ रहे? तोड़ने के बाद लार होगा, फिर पेट में जाएगा, समझ रहे? इसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब होती हैं। तो फूड फूड का किस जगह पर है, छोटे आंत में, बड़ी आंत में, स्टमक में, ड्यूडेनम में, इन सब जगह पर क्या क्या होता है, वो किस किस रूप में होता है। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, यही सारी चीज, लिपिड्स हो सकता है, यही सारी चीज़ का होता है फूड। तो जब हम खाते हैं तो या तो कार्बोहाइड्रेट या फैट यही सब ले रहे होंगे, तो इन्हीं को तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं, बहुलक होते हैं, बल्कि मॉलिक्यूल कार्बन के, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनको छोटे 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 टुकड़ों में पहले तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्या बोलते हैं श्वसन। अगर हम श्वसन की बात करें तो ऑक्सीश्वसन होता है, एक अनऑक्सीश्वसन। तो जो ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको ऑक्सीश्वसन कहते हैं, और जिनमें क्या होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो उनको क्या बोलते हैं, अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। जैसा कि हम अपना अगर बात करें तो क्या हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हम किस तरीके के श्वसन कर पाते हैं, ऑक्सीश्वसन या अनऑक्सीश्वसन? क्योंकि जब हम जब प्लांट से आए थे उसके बाद हम आए थे, तो प्लांट के आने की वजह से पृथ्वी पर क्या हो चुका था, ऑक्सीजन आ चुका था, इसलिए जब हम आए तो हमें श्वसन किस तरीके से करना पड़ा, ऑक्सीश्वसन करना पड़ा, और इसी मतलब कि अगर हमें अनऑक्सी करना पड़े तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कुछ ऐसी, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें थकान, अभी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, थकान महसूस होने लगती है, जब थकान महसूस होने लगती है तो वहाँ पर अनऑक्सीश्वसन होने लगता है। तो कहने का मतलब क्या, हमारे अंदर भी अनऑक्सीश्वसन होने लगता है, कब, जब हम एक्सरसाइज या दौड़ते हैं तो थकान होने लगती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो क्या हो जाता है, न मिलने की वजह से कैसा अनऑक्सीश्वसन करना पड़ जाता है, अनऑक्सीश्वसन करने की वजह से लिपिड बनने लगता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें फैटिग महसूस, थकान महसूस होती है। समझ गए क्या? चलिए अब हम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, तो अब टूट गया खाना तो ऑक्सीजन के थ्रू टूटा तो उसको श्वसन बोले, ठीक है, लेना उनको क्या होगा पोषण, तोड़ना ऑक्सीजन की मदद से उनको क्या होगा श्वसन। श्वसन के बाद अगर हम बात करें तो जो टूटा है उसके बाद उसमें तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमारे किसी काम की होंगी नहीं, उनको बाहर निकालना होगा, समझ रहे हैं? मल कुछ इस तरीके से होंगे जो लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं, गैसीय अवस्था में हो सकते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। जैसे CO2 है, CO2 गैसीय अवस्था में है तो वो हमें, हमारी हमारे लिए ज़रूरत है नहीं, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, अगर समझ रहे हैं, उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लिक्विड के टर्म में अगर बात करें, जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, जो अनयूज्ड है हमारे लिए, हमारे किसी काम का नहीं, यूरिया, वो शरीर में उपस्थित हो जाए, यूरिक एसिड हो जाए, अमोनिया हो जाए, तीन प्रोडक्ट हैं जो निकलते हैं लिक्विड में, ये क्या होते हैं, इनको बाहर निकालना होता है। तो न्यूट्रिशन के पेशाब के रास्ते से इनको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, समझ गए? उसके बाद और सॉलिड के रूप में अगर हम बात करें तो एनएस के रास्ते से उसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो अनयूज्ड होती हैं चीज़ें, बोलो। तो इस प्रक्रिया को, इस तंत्र को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें कौन सा ऑर्गन आता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट, कौन अंग भाग लेता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं? अब उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, तो हर कोशिकाओं को खाना तो चाहिए, अब वो पहुँचेगा कैसे, परिसंचरण तंत्र के थ्रू पहुँचता है, बात समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें हमने समझा, तो जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम को चलाने के लिए क्या क्या क्रियाएं होती हैं और सारी कई सारी इंपॉर्टेंस समझा, समझ रहे हैं? अब बात अगर थोड़ा सा और कर लेते हैं तो अगर हम इसकी बात करें पोषण श्वसन की, तो श्वसन जैसे ब्रेकडाउन होता है तो हर कोशिका करती है, एवरी सेल परफॉर्म, हर कोशिका श्वसन कर पाती है। तो जैसा कि दो होते हैं, ऑक्सीय और अनऑक्सी श्वसन, और अगर पोषण की बात करें ये भी दो तरीके का होता है, कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक, ट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक,
ठीक है। परिसंचरण क्या होता है, सर्कुलेशन की बात करें तो ये क्या होता है, दोहरा परिसंचरण हमारे ह्यूमन में होता है। तो अब सवाल है कि किस तरीके से परिसंचरण प्लांट्स किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता है कि दो तरीके का टिश्यू होता है इनके पास, जाइलम और फ्लोएम, ये दो टिश्यू होते हैं। आगे चल के सब डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनके क्या होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, मिनरल और वाटर और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। एनिमल्स किस तरीके से कर पाते हैं, ब्लड के थ्रू करते हैं। इनका क्या मेन रोल है, इनके शरीर में ब्लड की वजह से ये न्यूट्रिशन को करते हैं। उत्सर्जन की बात अगर हम करें तो किडनी ह्यूमन में किसका काम करते हैं, किडनी का काम करते हैं। लेकिन अगर प्लांट में बात करें तो उत्सर्जन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है ह्यूमन में, तो ह्यूमन में क्या होगा, किडनी पार्टिसिपेट करेगा। अगर प्लांट की में बात करें तो प्लांट में कौन बात करता है, स्ट्रोमेटा काम करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड इस सबको निकालेगा, ठीक है। आई बात और मैं बता दूं आपको, जैसे आप सोचते हैं कि प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, ठीक है। क्या वो CO2 नहीं छोड़ता, क्या उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो याद आप हमेशा याद ये भी रख लीजिए कि प्लांट भी श्वसन करता है, और श्वसन करता है मतलब कि ऑक्सीजन उसको भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी लिटिल अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में CO2 को छोड़ता है, समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गई। अब ये प्लांट अगर हमने देखा उत्सर्जन तंत्र प्लांट में और एनिमल में क्या होता है, इसके थ्रू होता है। परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो प्लांट में इनके थ्रू होता है, एनिमल में इनके थ्रू होता है। श्वसन की बात करें तो श्वसन किस तरीके का, वो भी क्या है, स्टोमेटा रंध्र के थ्रू होता है इसमें, और इसमें किसकी, इसमें अगर हम बात करें तो हर कोशिका के पास होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन। उसके बाद पोषण की बात करें, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, तो ये सारी चीज़ें थी ऑल अबाउट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे वीडियो आएगी उसमें हम एक एक जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो देखेंगे, पोषण को एक में देखेंगे, सबको देखेंगे डिटेल में, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको करना है कि आपके पास बुक होगी, नहीं होगी तो किसी से अवेलेबल कराइए, या जाकर साइट पर या नेट पर आपको मिल जाएगी, उससे पढ़िए जो मैंने बताया है। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट में इंट्रो पार्ट है ये चैप्टर का, तो मैंने शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या होने वाला है इस चैप्टर में, और क्यों पढ़ रहे हैं, और कैसे कैसे उसको कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, यदि नहीं समझ में आई हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जैसे मैंने पहले बता दी है, तो आप 10th स्टैंडर्ड में 9th में इससे पहले पढ़े होंगे, हो सकता है कि ना याद हो या नहीं भी पढ़े होंगे, तो हो सकता है थोड़ी चीज़ें ना समझ में आई हो, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगे, समझ में। आप एक बार देखिए, एक एक वर्ड देखिए, एक वर्ड क्या मैंने बोल रखा उसको समझिए, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। थैंक यू।